हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आज हम बात करने वाले हैं, ये फोर्थ चैप्टर है जिसका नेम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि आपकी लोकतांत्रिक राजनीति नामक जो बुक है एसएसटी की, उसका फोर्थ चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय, चैप्टर का परिचय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। यह असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह। चलिए शुरू करते हैं लैंगिक मसले और राजनीति। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। लैंगिक असमानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर, यानी औरत यानी महिला और पुरुष में भेदभाव करना। लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन देखें तो लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बिठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का लालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें अंदर घर के अंदर का सारा कामकाज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों का करना औरतों के जिम्मे है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी तरह औरतें घर के बाहर काम नहीं करती हों ऐसा भी नहीं है। गाँवों में स्त्रियाँ पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत को घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने और सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। नई मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, पुरुषों में 76%।
इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परिणामों की परीक्षाओं के परिणाम को गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत ने अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंगानुपात प्रति 1,919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत की नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से भी यह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। कि आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था। तो बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उसकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए।
अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। बात करते हैं सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है और इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच अब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वृक्षसभ में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो अब बात करते हैं धर्म निरपेक्ष शासन पर। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। उनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य
ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसा यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक दिनचर्या है उसमें या दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। जाति और राजनीति, तो देखिएगा जाति और राजनीति कैसे एक दूसरे से संबंध यहाँ पर निभाते हैं। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्ति देखी, इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक और दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशे जो है यानी पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उनमें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में बेटी रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चे की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की, उसके लिए काम किया। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के लिए यहाँ पर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी कितनी है, देखिए हिंदू 79.8% में है, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3, सिख 1.7 और अन्य जो हैं अन्य का प्रतिशत 2% है। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जात क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था में पैदा हुए अन्याय को समाप्ति करने वाली नीतियों का आधार दिया गया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदब नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था
और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अंगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जाति और धार्मिक हैसियत से काफी निकट का संबंध है। आगे बात करते हैं राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं, तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखकर करती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है, तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। तो यहाँ पर जाति और समुदायों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले प्रतिशत अनुपात यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दल को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो, तो उसे अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति बात करते हैं। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह को जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अंगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं, और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएँ और असमानताएँ वंचित और कमजोर समुदायों
के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर उनके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले में स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी विकास भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद जो है वो तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो ये था हमारा पाठ और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए वो एक पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहले हम देखेंगे, यानी जो एमसीक्यूज हैं। निम्नलिखित में से किन आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है? एक धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर मानने पर, धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करने पर, राजनीतिक दलों पर जातिगत रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने, या उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं सांप्रदायिक राजनीति इन सभी पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि यह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा, निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमने देखा था। चलिए आगे देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो मात्र और मात्र 54%, ये भी हमने देखा था। निम्न में से कौन सा कथन धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित करता है? राजनीति केवल धर्म से प्रेरित होनी चाहिए, धर्म को राजनीति से पहले रखना चाहिए, राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनका क्या था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से, राजनीति जो है वो धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए थी। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। निम्न में से भारत के लिए किस प्रकार विभाजन अप्रत्याशित है? जातिगत विभिन्नता का जो विभाजन है वो अप्रत्याशित है। प्राचीन काल में स्त्रियां डैश तक ही सीमित हुआ करती थी, तो घर की चार दीवारी तक। निम्न में से किसका आशय लिंग विभाजन से है? समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित असमान भूमिका, जैविक बनावट जो है लिंग विभाजन का हिस्सा नहीं है, श्रमिकों के बीच विभाजन जो है वो भी नहीं है, बालक और बालिकाओं का अनुपात ये कुछ नहीं है, बल्कि समाज द्वारा असमान जो भूमिका है वह जो है वो लिंग विभाजन का हिस्सा है। आगे बात करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसे नगरीकरण कहते हैं। औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसर में विश्वास करने वाली महिलाओं या पुरुष को क्या कहा जाता है? नारीवादी कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक तथ्य पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत नहीं आता? विवाह से संबंधित मसले आते हैं पारिवारिक में, तलाक से संबंधित पारिवारिक में आते हैं, बच्चा गोद लेने से संबंधित भी पारिवारिक में आते हैं, लेकिन चोरी और डाके संबंधित जो मामले हैं वो इसमें नहीं आते। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक अंक वाले प्रश्न, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है? लैंगिक विभाजन कहलाती है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है? पंचायती राज संस्थाओं में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में लिंगानुपात 800 से भी कम है? तो ये लगभग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 800 से भी जो लिंगानुपात है वो कम था। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो स्थानीय सरकारों में 33%। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे। एक ऐसे समुदायों के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पलायन कर जाते हैं? शहरीकरण कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। तो महिलाओं के ऊपर पूरा घरेलू दायित्व, पुरुषों का अत्यधिक नियंत्रण, व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व, कन्या भ्रूण हत्या और स्त्री शिक्षा का कम महत्व, या फिर पारिश्रमिक वितरण में असमानता। तो ये सभी रीजन हैं जिनमें भारत में जो है स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, ये सभी वो पहलू हैं।
जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, कारण लिखिए, क्योंकि मतदाताओं में जागरूकता है। कई बार मतदाता जातीय भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना और मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना, न कि सिर्फ अपनी जाति के व्यक्ति को वोट वो देते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान कौन से हैं? तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है और भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। तो यही वे सब जो प्रावधान है जिनसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो सबसे पहले तो दहेज को अवैध घोषित किया है, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक दिया है, कानून जो है कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया है, समान कार्य करने के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है, नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ जैसी योजना जो है वो इसी का हिस्सा है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं? देखिए, आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में विवाह करते हैं। कुछ जातियां अधिक उन्नत है तो कुछ जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है। चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरणों को ध्यान में भी अभी तक भी रखा जाता है। आगे बात करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों का वर्णन करें तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना, सांप्रदायिक हिस्सा और खून खराबा, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बंट जाना, जैसे आयरलैंड में नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टी। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जा जो है उसको ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और रोजगार के जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन जो है वो कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है। इसमें महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर कैद रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध सम्मिलित है। यह पितृ सत्तात्मक परिवार को मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर है और महिलाओं की शिक्षा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय सेवा आदि का समर्थक है। यह महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं परंतु वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। इस कथन को विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों से समझाइए। देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं साक्षरता की दर। तो देखिए, अभी भी महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है बल्कि पुरुषों में 76% है। ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद, इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे हैं। असमान लिंगानुपात अभी भी प्रति हजार में 933 जो है लगभग संख्या बनी हुई है और घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी सामने आती हैं। जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी या प्रतिनिधित्व है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है वो भी कम है। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की विशेषता लिखिए और देश की आबादी में उनका जो प्रतिशत है वो कितना है। तो देखिए, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत तो 16.2% है और जनजातियों का प्रतिशत 8.2 है। तो देख लेते हैं होती क्या है। वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग है या अछूत मानी जाती है, जो दलित के रूप में मानी जाती है या जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, उन्हें तो अनुसूचित जातियां कहते हैं। और ऐसा समुदाय जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहता है और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, साथ ही उनका विकास नहीं हुआ है, उनको अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कारण बताइए। तो सिंपल सी बात है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। पुरुष अभी भी महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देते हैं। महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, कारण लिखो, क्योंकि किसी एक संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत होता नहीं है और कई बार एक ही जाति का उम्मीदवार सफल हो जाते हैं लेकिन दूसरी बार में हट जाता है। जाति के अलावा सरकार का काम और नेताओं की लोकप्रियता भी चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो ये प्रश्न हमने कर लिया है। ऐसे कौन से 3 प्रावधान हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, ये प्रश्न भी हमने कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिकता और जातिवाद में क्या अंतर है?
तो देखिएगा, जब एक संप्रदाय अपने को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ समझने लगता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, जो कि लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जातिवाद वह भावना है जिससे प्रेरित होकर ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं। इससे भी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था और समाज जो है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? तो ये भी हमने प्रश्न खैर कर लिया है। लिंग विभाजन क्या है? लिंग विभाजन समाज द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को निर्धारित किए अलग अलग कार्यों से है। स्त्रियों को गृह कार्य या परिवार से संबंधित कार्य जैसे बच्चों का पालन पोषण, खाना पकाना, सफाई, गांवों में खेतों में काम करना आदि, पुरुष घरों से बाहर आय पैदा करने का काम और सार्वजनिक घरों का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। तो सांप्रदायिक राजनीति में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, राजनीति में एक धार्मिक समानता की प्रधानता का प्रयास, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता और सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा, ये सभी सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप हैं। अनुसूचित जनजातियां और जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न है वो हमने पहले ही देख लिया है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।